कैसे आप लोग? अच्छे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? सुनिए ना। हाँ। तो अहमद और असलम नाम के दो लड़के रहते हैं। हाँ, वो रोज स्कूल जाते, वो दोनों स्कूल जाते हैं। हाँ, और वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। हाँ। और उनके साथ उनकी जमात में शानू नाम का लड़का पढ़ता है। हाँ, लेकिन वो बहुत शरारती रहता। वो जब भी स्कूल आता ना, तो वो इधर उधर की चीजें बहुत ये करता है, क्या मतलब बहुत मस्ती करता है, बच्चों को सताता है, कभी यही फोड़ देता है, कभी वो तोड़ देता है, कभी इधर गंदा करता है, दीवार पे जैसे लिखते हैं, है ना, ऐसा करता है। तो टीचर्स उसको बहुत समझाते हैं, उसके दो दोस्त रहते वो भी बहुत समझाते उसको, ऐसा नहीं करते, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा उसको करके बहुत समझाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, किसी की भी नहीं सुनता। टीचर्स उसके पेरेंट्स को भी बोलते हैं, उसके माँ बाप को, वालदेन को बोलते हैं कि बहुत मस्ती करता है, उसके बावजूद भी वो नहीं सुनता, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, इतवार का दिन रहता और वो लोग ना नदी के किनारे जाते हैं। इतवार के दिन छुट्टी रहती ना, वो लोग एक दिन नदी के किनारे जाते हैं इतवार के दिन। हाँ, इतवार के दिन नदी के किनारे जाते हैं। तो शानू उनको क्या बोलता कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नदी में तैरते हैं, ऐसा बोलता। किसको बोलता है? असलम और अहमद को, है ना। तो असलम और अहमद बोलते नहीं नहीं अभी नदी का पानी अपने अपने सरनेम को पढ़ाया था ना कि नदी का पानी जो है उसकी लहरें कभी भी बढ़ सकती है, तो हमको उसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोलते उसको अहमद और असलम। शानू बहुत समझाते हैं, लेकिन शानू नहीं सुनता, बोलता कि नहीं अपन चलते चलते। फिर अहमद और असलम बोलते नहीं बाबा हम लोग नहीं आएंगे। तो शानू क्या करता, खुद ही चला जाता पानी में, ठीक है, उछाता और ना अहमद और असलम साइड में ही रुके रहते। तो उसको इतना मना करते लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता और पानी में चला जाता। और जैसे तैरने लगता और आधे रास्ते से ऐसे बीच में पहुंचता, तो उतने में क्या होता, पानी की लहरें बढ़ जाती और फिर शानू को डर लगने लग जाता। बोलता अरे अभी तो मैं तैर नहीं पा रहा हूँ, मतलब उसको उसके पैर जम जाते हैं, फिर वो डरने लगता धीरे धीरे। तो फिर उसके दोस्त और वो असलम और उसको असलम अहमद उनको उसको देखते रहते दूर से, वो देखते कि अभी इसको परेशानी हो रही है तैरने में, तैर नहीं पा रहा। तो वो लोग क्या करते, वहां पे एक नदी के पास घर रहता, तो वहां से वहां पे जाके एक रस्सी लेकर आते और ऐसी जो बड़ी रस्सी लेकर आते और उसके पास ऐसे बीच में फेंकते, ठीक है। और जैसे फेंकते तो उसके बाद वो क्या करता, रस्सी को पकड़ कर रस्सी के सहारे अहमद और असलम खींचते उसको और उसके सहारे उसको बाहर निकालते। हाँ, तो उसके बाद निकालते तो वो बहुत डरा हुआ रहता, बहुत डरा हुआ, उसको खड़ा भी नहीं जाता। तो फिर अहमद और असलम क्या करते हैं, उसके घर पे उसको लेकर जाते, जैसे घर पे लेकर आते उसको पलंग पे लिटाते, फिर उसके अम्मी उसको देखती क्या हुआ कैसे हुआ। फिर अहमद और असलम भी वहीं पे बैठे हुए रहते। तो फिर अहमद की अम्मी उनको दोनों को बहुत बोलती कि शुक्रिया बच्चों तुम्हारा, तुमने शानू को बचाया पानी में बहने से, ऐसे करके। फिर शानू क्या करते, ये सब सुन रहा है रहता कि अहमद असलम ने मुझे बचाया, उनके अम्मी उनको बोलती बहुत अच्छे है, इसी तरीके से मदद करनी चाहिए, ऐसे करके उनका शुक्रिया अदा करती। फिर क्या होता, शाम होने लगती, तो अहमद और असलम क्या करते हैं, उसकी अम्मी से इजाजत लेते हैं कि अभी हम लोग घर पे जाते हैं, अम्मी को राह देख रहे होंगे, ऐसे करके उसकी अम्मी से इजाजत मांगते। फिर शानू वहीं पे लेटा हुआ रहता, उसको प्रॉब्लम भी होता ना, वहीं पे लेटा हुआ सब देखता रहता। फिर उसकी अम्मी बोलती ठीक है बच्चा आराम से जाओ, ऐसे करके अहमद और असलम क्या करते चले जाते वहां से। फिर दूसरे दिन क्या होता, दूसरे दिन स्कूल का टाइम हो जाता और अहमद और असलम साथ में स्कूल जाते, और जब जाते तो देखते कि शानू उनसे पहले पहुंचा हुआ रहता स्कूल। जैसे वो क्या करता, लेट आने वाला बच्चा रहता है ना, जल्दी नहीं आता, शरारती रहता, पढ़ता नहीं बराबर, स्कूल में क्लासेस भी नहीं अटेंड ये करता, क्लास में बैठता भी नहीं। लेकिन दूसरे दिन क्या होता, वो शानू जल्दी आया हुआ रहता, तो असलम और अहमद देख के उसको चौंक जाते और आते ही वो पढ़ने लगता, मतलब पढ़ता रहता, है ना। तो आपको क्या लगता है, उसका पहले वो इतना मस्ती करता, फिर अभी इतना इसमें कैसे चेंज हुआ? उसके दोस्त ने सिखाई और उन लोगों ने हेल्प कर उसको अपने समझ आ गया।
यस, उसको एहसास हुआ कि नहीं हमको बड़ों की भी बात माननी चाहिए। जैसे उसके सर ने बोले थे उसको कि पानी में नहीं जाने का, पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता, लेकिन उसने नहीं सुनते हुए गया तो उसको नुकसान हुआ ना। तो उसको ये समझ आया, फिर उसकी मम्मी भी बहुत समझाती थी, उसके दोस्त समझाते थे, तो उसको समझ में आया कि नहीं इसीलिए वो बड़ों की बात जो बड़े बोलते हैं वो मानना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमको उसका नुकसान होता है ना, और इसलिए वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसके बिहेवियर में तब्दीली आती है ना, जो कि अच्छी है। ठीक है, हमको ये कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमको हमेशा जो बड़े बोलते हैं अपने मम्मी अब्बा दादी दादा जो बड़े बोलते हैं उनका मानना चाहिए, और वो अगर बोलते हैं तो फिर वैसा नहीं करना चाहिए। आप लोग भी सुनोगे ना बड़ों की? ठीक है, वेरी गुड, जज़ाकअल्लाह।